बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिकोडर एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है कि जो जब अपनी इनपुट्स पे कोई बिट्स की कम्बिनेशन डिटेक्ट कर ले तो वो उसकी प्रेजेंस एक पार्टिकुलर आउटपुट लाइन पे 0 या 1 से इंडिकेट करता है। इट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ अ कम्बिनेशन ऑफ बिट्स ऑन इट्स इनपुट्स एंड इंडिकेट्स इट्स प्रेजेंस ऑन अ स्पेसिफाइड आउटपुट लाइन बाय अ स्पेसिफाइड आउटपुट लेवल। अगर हमारे पास कोई डिकोडर है और उसकी में इनपुट लाइंस की तादाद अगर n हो तो आउटपुट लाइंस की तादाद 1 से लेकर 2^n तक हो सकती है। इट मींस कि मिनिमम आउटपुट लाइंस 1 होंगी और मैक्सिमम आउटपुट लाइंस 2^n होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 इनपुट लाइन का डिकोडर है तो उसमें आउटपुट लाइंस 1, 2, 3 या 4 हो सकती है। ये डिपेंड करता है डिज़ाइनर पे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर हम कोई बेसिक बाइनरी डिकोडर देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक बाइनरी डिकोडर है। अब ये बेसिक बाइनरी डिकोडर कर क्या रहा है कि इसको जब इनपुट पे ये पार्टिकुलर कम्बिनेशन मिलती है 1001 तो ये उसको इंडिकेट करता है आउटपुट 1 से। अगर इसके अलावा कोई कम्बिनेशन इसको मिले, ये 4 बिट्स की इनपुट कम्बिनेशन है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 16 टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अगर इस एक पार्टिकुलर कम्बिनेशन के अलावा अगर इसको कोई दूसरी कम्बिनेशन मिलती है तो ये आउटपुट लाइन पे 0 आएगा, लेकिन सिर्फ इस कम्बिनेशन के अगेंस्ट ये हमें आउटपुट पे 1 देता है। सो ये हमारे पास एक बेसिक बाइनरी डिकोडर है। डिकोडर की काफ़ी यूसेजेज हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप इसको पासवर्ड ही समझ लें कि अगर कोई ये पार्टिकुलर पासवर्ड इंटर करता है तो आउटपुट लाइन पे वो 1 से इंडिकेट हो। 1 का मतलब कोई भी टास्क आप ले सकते हो, आप कोई LED वगैरह लेट सपोज ऑन हो सकती है, कोई डोर अनलॉक हो सकता है, लॉक हो सकता है। सो काफ़ी डिकोडर की एप्लीकेशंस है। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम्स में, कंप्यूटर सिस्टम्स में और इनफैक्ट जितनी भी डिजिटल सिस्टम्स आजकल आ रही है स्पेशली सारों में इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, एक से ज़्यादा IO पोर्ट्स होते हैं। सो वहाँ पर भी डिकोडर यूज़ होता है उनको एड्रेस करने के लिए। अगर हम 2x4 डिकोडर देखें, 2x4 डिकोडर का मतलब ये है कि एक ऐसा डिकोडर जिसमें 2 इनपुट लाइंस हो और 4 आउटपुट लाइंस हो। सो हमारे पास 2x4 डिकोडर, इसकी ब्लॉक डायग्राम है। इसमें आप देखें तो इसकी 2 इनपुट लाइंस है A और B और 4 आउटपुट लाइंस है जिसको इंडिकेट किया गया Y0, Y1, Y2 और Y3। हमें पिछली स्लाइड में देखा था कि अगर हमारे पास कोई n इनपुट लाइन का डिकोडर हो तो उसमें आउटपुट लाइंस 1 से लेकर 2^n तक पॉसिबल है। मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम 2^n। सो इस केस में हमारे पास 2 इनपुट लाइंस है, सो इसमें मैक्सिमम हमारे पास 4 आउटपुट लाइंस हो सकती है। सो 2x4 डिकोडर में 2 इनपुट्स और 4 आउटपुट्स होती हैं। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें तो इसमें हमारे पास 2 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स है Y0, Y1, Y2 और Y3 के नाम से। इनपुट्स को अगर आप देखें, 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस है 0, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1 और हर पार्टिकुलर इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट एक पार्टिकुलर आउटपुट लाइन पे उसे इंडिकेट किया गया है 1 से। लाइक जब इनपुट पे 0, 0 मिले तो Y0 पे 1 मिलता है, 0, 1 के केस में Y1 पे 1 मिल रहा है, 1, 0 के केस में Y2 आउटपुट लाइन पे 1 मिल रहा है, जबकि 1, 1 के केस में Y0 पे 0 मिल रहा है, Y1 पे 0 है, Y2 भी 0 है, जबकि सिर्फ Y3 पे हमें 1 मिल रहा है। सो हर पार्टिकुलर इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट एक पार्टिकुलर आउटपुट लाइन पे 1 से उसे इंडिकेट किया गया या 1 हमें मिल रहा है। आप लेट सपोज एज्यूम कर ले कि ये जो Y0, Y1, Y2, Y3 है ये हमारे पास 4 LEDs है। सो अगर आप इनपुट पे 0, 0 देते हो तो Y0 वाली LED ऑन होंगी बाकी ऑफ रहेंगी, 0, 1 के केस में Y1 ऑन होंगी बाकी ऑफ रहेंगी, या 1, 0 के केस में Y2 और 1, 1 के केस में Y3। ये आप इनको करिस्पॉन्ड करें डिफरेंट टास्क के साथ कि अगर इनपुट पे इसको 0, 0 मिलता है तो ये कोई एक टास्क परफॉर्म करे 0, 1 के अगेंस्ट, कोई दूसरा टास्क परफॉर्म करे 1, 0 के अगेंस्ट कोई और। सो ये आपकी इमेजिनेशन और आपकी डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हो। लेकिन डिकोडर की काफ़ी एप्लीकेशंस है और डिजिटल सिस्टम में काफ़ी एक
यूजफुल डिवाइस समझी जाती है या कंपोनेंट समझा जाता है। आउटपुट फंक्शंस इनके देख लेते हैं, चार आउटपुट्स हैं हमारे पास, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू और वाई थ्री। सो इसका मतलब ये है कि चार आउटपुट फंक्शंस आएंगी। वाई नॉट के लिए सिर्फ एक ही कम्बिनेशन है, 0 0, जहाँ पर वाई नॉट 1 है। सो वाई नॉट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट। वाई वन अगेन सिर्फ एक ही कम्बिनेशन है, 0 1, जहाँ पर वाई वन 1 है। सो वाई वन के लिए हम कह सकते हैं कि वाई वन इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी, वाई टू इज इक्वल टू ए इंटू बी कम्प्लीमेंट, और वाई थ्री इज इक्वल टू ए इंटू बी। सो चार आउटपुट लाइन्स है, जितनी आउटपुट लाइन्स होती है उतनी हमारे पास आउटपुट फंक्शंस होते हैं। सो हमारे पास चार आउटपुट फंक्शंस आ गए, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू और वाई थ्री। आउटपुट फंक्शंस के बाद हम लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। चार आउटपुट्स है, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू और वाई थ्री, जबकि दो इनपुट्स है ए और बी। हमारे पास दो इनपुट्स है ए और बी, और चार आउटपुट्स है, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। वाई नॉट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट एंड बी कम्प्लीमेंट। वाई वन इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी, वाई टू इज इक्वल टू ए इंटू बी कम्प्लीमेंट एंड वाई थ्री इज इक्वल टू ए इंटू बी। सो ये हमारे पास 2x4 डिकोडर की लॉजिक डाइग्राम। थ्री क्रॉस एट डिकोडर पे आते हैं। थ्री क्रॉस एट डिकोडर, जिस तरह इसके नाम से आप बता सकते हो, कि एक ऐसा डिकोडर जिसमें तीन इनपुट्स होंगे और आठ आउटपुट्स होंगी। अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें, तीन इनपुट्स हैं हमारे पास ए बी सी, जबकि आठ आउटपुट्स हैं, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स और वाई सेवन। तीन इनपुट्स हैं तो टोटल हमारे पास आठ पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशंस बनती है, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। नाउ अगर आप इस टेबल को देखें, तो हर इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर आउटपुट लाइन पे 1 आ रहा है हमारे पास। सो हर इनपुट कम्बिनेशन इंडिकेट की गई है 1 से। 0 0 के अगेंस्ट, 0 0 के अगेंस्ट वाई नॉट पे हमें 1 मिल रहा है, 0 0 1 के अगेंस्ट वाई वन पे 1 मिल रहा है, 0 1 0 के अगेंस्ट वाई टू पे। सो इस तरह आप देखें, हर पर्टिकुलर इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर आउटपुट लाइन पे हमें 1 मिल रहा है। सो अगर हम इनकी मिन टर्म्स फाइंड करना चाहें या इनके आउटपुट फंक्शंस फाइंड करना चाहें, हमारे पास आठ आउटपुट्स है वाई नॉट से लेकर वाई सेवन तक। सो हमारे पास आठ आउटपुट फंक्शंस आएंगे, और ये आउटपुट फंक्शंस इनफैक्ट एक मिन टर्म्स की तरह होंगे। लाइक वाई नॉट के लिए जो मिन टर्म बनेगा, दैट विल बी ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी कम्प्लीमेंट। वाई वन इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट सी। वाई टू इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी सी कम्प्लीमेंट एंड सो ऑन। सो अगले स्टेप में आपने इनकी आउटपुट फंक्शंस फाइंड करनी है। वाई नॉट के लिए आउटपुट फंक्शन फाइंड करोगे, वाई वन के लिए, वाई टू के लिए, वाई थ्री, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स और वाई सेवन के लिए आपके पास आउटपुट फंक्शन आ जाती है। फिर आप उन आउटपुट फंक्शंस की हेल्प से आप लॉजिक डायग्राम ड्रा करते हो। तो ये हमारे पास 3x8 डिकोडर की लॉजिक डायग्राम है। 3x8 डिकोडर में हमने देखा कि एक ऐसा डिकोडर है जिसमें तीन इनपुट लाइंस होती है और आठ आउटपुट लाइंस होती है। बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर या 4x10 डिकोडर, चार इनपुट लाइंस होती है इसमें और 10 आउटपुट लाइंस होती है। अगर हम इसके टेबल को देखें, नाउ बीसीडी हमारे पास 10 बीसीडी कोड्स होते हैं, 0 0 0 0 से लेकर 1 0 0 1 तक। सो हर बीसीडी कोड के अगेंस्ट एक पर्टिकुलर आउटपुट लाइन पे 1 इंडिकेट होता है। लाइक 0 0 0 0 पर वाई नॉट पे 1 होता है, 0 0 0 1 वाई वन पे 1 होगा, 0 0 1 0 वाई टू, 0 0 1 1 वाई थ्री, 0 1 0 0 वाई फोर, 0 1 0 1 वाई फाइव, 0 1 1 0 वाई सिक्स, 0 1 1 1 वाई सेवन, 1 0 0 0 वाई एट और 1 0 0 1 वाई नाइन पे 1 होता है। नाउ हमें पता है कि जब हम कोई कम्बिनेशन हमारे पास चार बिट्स के फॉर्म में हो, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास चार बिट्स के फॉर्म है ए बी सी डी, तो उसकी टोटल पॉसिबल कम्बिनेशंस बनती है 16। नाउ इन 16 कम्बिनेशंस में जो 10 कम्बिनेशंस है वो तो बी सी डी कोड के हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो रिमेनिंग ये जो 6 कम्बिनेशंस है, 1 0 1 0 से लेकर 1 1 1 1 तक, ये अनयूज्ड है। ये चूँकि बी सी डी कोड का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमें इनको ऐड करना पड़ता है
क्योंकि इनपुट्स हमारे पास चार है, क्योंकि उसकी वजह से टोटल पॉसिबल कम्बिनेशन 16 ही बनती है। अब ये जो सिक्स अनयूज स्टेट्स हैं, इनको हम अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा था कि इस तरह की सिचुएशन में अगर हम डोंट केयर कंडीशंस यूज़ कर ले तो उससे हमें फ़ायदा ही होता है। और हमारा फ़ायदा क्या होता है कि कॉस्ट कम हो जाती है और एफिशिएंसी सर्किट की अच्छी हो जाती है, और वो होती है जब हमारे पास जो आउटपुट फंक्शंस होते हैं वो ज़्यादा मिनिमाइज्ड फॉर्म में हों। सो इनको भी हम अपने फ़ायदे के लिए यूटिलाइज करेंगे, 0000 से लेकर 1001, ये तो हमारे पास बीसीडी कोड्स हैं। इन बीसीडी कोड्स के अगेंस्ट हर पार्टिकुलर आउटपुट पे, इन बीसीडी कोड्स के अगेंस्ट कोई एक पार्टिकुलर आउटपुट लाइन पे 1 आ रहा है। जो रिमेनिंग है 1010 से लेकर 1111 तक, इनको हम एज अ डोंट केयर कंसिडर करेंगे। सो हमारा जो ट्रुथ टेबल बनेगा वो कुछ ऐसे तरह के फॉर्म में होगा। नाउ जब हम इनकी आउटपुट फंक्शंस फाइंड करें, तो जिस तरह हमने 2x4 डिकोडर में आउटपुट फंक्शन फाइंड किया था, या जिस तरह हमने 3x8 डिकोडर में आउटपुट फंक्शंस फाइंड किए थे, उस तरह हम नहीं करेंगे। अब हम साथ में इनको भी कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पर डोंट केयर्स भी है। सो हम करनाफ के ज़रिए इनकी आउटपुट फंक्शंस फाइंड करेंगे। अगर हम वाई नाट के लिए मैप करें तो वाई नाट का 1 सेल का एक ग्रुप बन रहा है, तो इसका जो मेन टर्म बनेगा वो भी इसके अंदर 4 वेरिएबल्स होंगे। Y1 की अगर मैपिंग करें तो Y1 का भी जो ग्रुप बन रहा है वो 1 सेल का ही है, तो इसके मिनटर्म के अंदर भी 4 वेरिएबल्स ही होंगे। जबकि Y2 को अगर आप देखें, नाउ यहाँ पर हमारे पास 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है। सो इसका मतलब ये है कि 2 सेल्स का ग्रुप है तो इसके मिनटर्म के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, इंस्टेड ऑफ 4 3 पे आ गए। Y3 को अगर हम देखें तो Y3 का भी जो मिनटर्म बनेगा वो 3 वेरिएबल्स का होगा, 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है। Y4 के केस में भी 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है, 3 वेरिएबल्स का मिनटर्म होगा। Y5 के केस में भी 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है, सो 3 वेरिएबल्स का मिनटर्म होगा। जबकि Y6 यहाँ पर भी 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है, 3 वेरिएबल्स का मिनटर्म होगा। Y7 अगेन 2 सेल्स का ग्रुप बन रहा है, सो 3 वेरिएबल्स का मैप होगा। यहाँ पर Y8 यहाँ पर 4 सेल्स का ग्रुप बन रहा है, सो जो इसका जो मिनटर्म होगा वो 2 वेरिएबल्स का होगा। जबकि Y9 यहाँ पर भी 4 वेरिएबल्स का मैप बन रहा है का ग्रुप है हमारे पास, तो इसके भी मिनटर्म के अंदर वेरिएबल्स की तादाद होगी 2। तो हमारे पास जो आउटपुट फंक्शंस आएंगे Y0 के लिए Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8 और Y9। सो अगर आप देखें तो उन डोंट केयर्स की वजह से इनके मिनटर्म्स के अंदर वेरिएबल्स की तादाद कम है। इन्हीं आउटपुट फंक्शंस के बेस पे हम इसकी लॉजिक डायग्राम ड्रा करेंगे। सो ये हमारे पास बीसीडी टू डेसिमल डिकोडर बन जाएगा। इनपुट इसको 4 बिट्स के फॉर्म में मिलेगी बीसीडी कोड के फॉर्म में, और आउटपुट ये हमें देगा Y1 से लेकर Y9 तक हमारे पास 10 आउटपुट लाइंस है। बूलियन फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग डिकोडर। कैसे हम डिकोडर के जरिए कोई किसी भी बूलियन फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, लाइक लेट सपोज हमें कोई बूलियन फंक्शन गिवन हो और हमें कहा जाए कि इसे डिकोडर के जरिए इम्प्लीमेंट करें, तो उसे कैसे करेंगे। 3 स्टेप्स है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जो भी बूलियन फंक्शन हमें गिवन है वो स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में होनी चाहिए। अगर स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में नहीं है बूलियन फंक्शन, तो उसे सबसे पहले हम स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब तक स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में नहीं होगी एक्सप्रेशन, डिकोडर के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी, डिकोडर के जरिए इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। सो ज़रूरी है कि हमारे जो बूलियन फंक्शन गिवन हो वो स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में हो। अगर नहीं है स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में, तो उसे पहले हम स्टैंडर्ड SOP फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे, चूज़ करेंगे कि कौन सा डिकोडर यूज़ करें। तो ये डिपेंड करता है बूलियन फंक्शन के ऊपर कि उस बूलियन फंक्शन के डोमेन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। अगर एक बूलियन फंक्शन के डोमेन के अंदर लेट सपोज 2 वेरिएबल्स है, सो हम कोई ऐसा डिकोडर चूज करेंगे जिसके अंदर 2 इनपुट लाइंस हो, मतलब 2x4 डिकोडर चूज करेंगे। अगर किसी बूलियन फंक्शन के डोमेन में 3 वेरिएबल्स है, सो हम 3 इनपुट लाइन वाला डिकोडर चूज करेंगे, या 3x8 डिकोडर चूज करेंगे। सिमिलरली अगर किसी बूलियन फंक्शन के डोमेन में 4 वेरिएबल्स है, सो हम 4x16 डिकोडर या 4 इनपुट लाइन वाला डिकोडर चूज करेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट स्टेप पे आते हैं। लास्ट स्टेप में हम हमारी बूलियन फंक्शन में जो भी मिन टर्म्स होंगे,
हम उनकी करिस्पॉन्डिंग डिकोडर की करिस्पॉन्डिंग आउटपुट लाइंस को और कर देंगे, तो इस तरीके से हम एक बूलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर लेते हैं। एक एग्जांपल से देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें एक बूलियन फंक्शन गिवन है, बूलियन फंक्शन है एफ, जिसकी डोमेन में तीन वेरिएबल्स है ए बी और सी। एफ इन टर्म्स ऑफ ए बी सी दिस इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मिन टर्म्स 0, 4, 6, 7। मतलब ये हमारे पास, एक तो ये है कि हम इसको देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म है, और इसके अंदर जो मिन टर्म्स है वो है 0, 4, 6 और 7। तीन वेरिएबल्स है इसकी डोमेन में, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो मिन टर्म्स है वो है 0, 0, 0, तीन तीन बिट्स की फॉर्म में 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0 और 1, 1, 1। सो ये इसकी बाइनरी वैल्यूज है इनकी मिन टर्म्स की, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में है। सो हम आप अगले स्टेप पे आते हैं। इसमें जो इसकी डोमेन के अंदर जो वेरिएबल्स की तादाद है वो कितनी है, वो है 3। सो हम कोई ऐसा डिकोडर चूज करेंगे जिसके अंदर 3 इनपुट लाइंस होंगी। सो हम 3x8 डिकोडर चूज करेंगे। सो ये हमारे पास डिकोडर है 3x8, इसकी 3 इनपुट लाइंस है, जो हमारे पास डोमेन के अंदर वेरिएबल्स हैं वो हम इनको स्पेसिफाई कर देंगे ए बी और सी, ये 3 इनपुट लाइंस हैं, जबकि हमारे पास 8 आउटपुट लाइंस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के नाम से। 3 इनपुट लाइंस हैं और 8 आउटपुट लाइंस हैं। अब हमारे पास जो बूलियन फंक्शन के अंदर जो भी मिन टर्म्स होंगे, जितने भी मिन टर्म्स होंगे, लाइक इस केस में हमारे पास है 0, 4, 6 और 7, सो हम मिन टर्म नंबर 0, मिन टर्म नंबर 4, मिन टर्म नंबर 6 और मिन टर्म नंबर 7 को और कर देंगे। सो इस तरीके से हम एक बूलियन फंक्शन को डिकोडर के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं। तीन चीज़ों का हमने देखना है। पहली चीज़ कि जो भी बूलियन फंक्शन गिवन हो वो स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हो। अगर स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में पहले लेके आएंगे। फिर उसके बाद हमने देखना है कि इसकी डोमेन के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं। जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी तादाद का हमें एक ऐसा डिकोडर चाहिए होगा जिसमें उतनी तादाद के इनपुट लाइंस होंगे। फिर जो भी मिन टर्म्स हों, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो आप डायरेक्टली कर लेते हो, अगर एलजेब्रिक फॉर्म में गिवन है तो आप बाइनरी वैल्यूज फाइंड करोगे। जो जो भी मिन टर्म्स आएंगे उनके करिस्पॉन्डिंग आउटपुट लाइंस को और कर देना है, क्योंकि समेशन है सो इसलिए हम और करते हैं। सो इस तरीके से हम एक बूलियन फंक्शन को डिकोडर के जरिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। कोई क्वेश्चंस हो या कुछ क्वेरीज हो तो काइंडली नोट डाउन कर ले उनको, फिर उनको इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस कर लेंगे।